दोस्तों बात करते हैं वुमेन प्रीमियर लीग के हुए चौथे मुकाबले की, जिसमें मुंबई इंडियन वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अगर बात करें तो पहले आरसीबी ने टॉस करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और महज 155 रन पर पूरी की पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई। और मुंबई इंडियन की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, जिसके कारण 155 रन तक रोकने का सफल हो पाए। मुंबई इंडियन की बल्लेबाजी की बात करें तो 156 रन का टारगेट उनके आगे कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस टारगेट को महज एक विकेट गंवाकर 14 ओवर और दो गेंदों में 159 रन बना दिए। पहला विकेट जाने के बाद उस हैरी मैथ्यूज और नेट ट्रेवर ब्रंट के बीच जो की साझेदारी हुई 114 रन की, नाबाद साझेदारी सिर्फ 56 गेंदों में हुई। इसमें बात करें तो हैरी मैथ्यूज ने 38 गेंदों पर 77 रन नाबाद बनाए और नेट ट्रेवर ब्रंट ने 29 गेंदों पर 55 रन नाबाद बनाए। और इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच रही हैली मैथ्यूज, उन्होंने 3 विकेट ले और साथ में 77 रन नाबाद भी बनाए। इस तरह से मुंबई इंडियन वुमेन की टीम ने इस मैच को 34 गेंद रहते हुए 9 विकेट के साथ इस मैच को जीत लिया। ये थी गाइस मैच की हाईलाइट। कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।